सांसदी बहाली के बाद राहुल की एक और जीत। राहुल को वापस मिला उनका सरकारी बंगला। सर कितनी खुशी सर, कितनी खुशी आपको सर, सर कितनी खुशी आपको, कितनी खुशी आपको, घर आपको मिल गया। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। ये अंदाज बता रहे हैं कि राहुल गांधी को ना सरकारी बंगला छिन जाने का गम था और न ही उसके वापस मिल जाने का जश्न है। राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन में स्थित उनका वो सरकारी बंगला वापस मिल गया है जो लोकसभा से उनकी सांसदी चले जाने के कारण उनको खाली करना पड़ गया था। इस आवास में वे 19 सालों से रह रहे थे और अब जबकि एक बार फिर से उनको उनकी सांसदी वापस मिल चुकी है तो वे वापस अपने सरकारी बंगले में लौटने वाले हैं। इस पर जब उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने सीधे सपाट तरीके से यही कहा कि उनका घर पूरा भारत देश है। सर कितनी खुशी सर, कितनी खुशी आपको सर, मणिपुर पे सर कितनी खुशी आपको, कितनी खुशी आपको, घर आपको मिल गया। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। अब आप जरा इस वीडियो को भी देखिए। ये वीडियो उस वक्त की है जब राहुल गांधी को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने बंगले का दरवाजा लॉक किया था। बंगले की चाबी उन्होंने संबंधित अधिकारी को सौंप दे और चेहरे पर मंद मुस्कान लिए हुए उनसे हाथ भी मिलाया था। उसके बाद वो अपनी मां और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले आवास में शिफ्ट हो गए थे। तब से वे वहीं अपनी माँ के घर पर ही रह रहे थे। चलिए आपको राहुल गांधी के तब के बयान को सुनाते हैं जब उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली किया था, और साथ ही वो भी सुनाते हैं जब उन्हें उनका सरकारी आवास वापस मिल चुका है। राहुल गांधी चाहते तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूं। जी, रहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था। 19 साल में यहाँ रहा हूं, अब मुझसे छीन लिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर XCP के साथ 10 जनपद में रहूंगा और फिर कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा। सर कितनी खुशी सर, कितनी खुशी आपको सर, मणिपुर पे सर कितनी खुशी आपको, कितनी खुशी आपको, घर आपको मिल गया। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। सुना आपने, राहुल गांधी सरकारी बंगले के बिना भी और सरकारी बंगले के साथ भी लगभग एक ही तरह का बयान देते हुए सुनाई दिए हैं। आपको बता दें कि मोदी सर ने मानहानि मामले में 2 साल जेल की सजा मिलने के बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी, जिसके बाद उनको सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद उनकी सांसदी और सरकारी आवास दोनों ही वापस मिल चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। सर कितनी खुशी सर, कितनी खुशी आपको सर, सर कितनी खुशी आपको, कितनी खुशी आपको, घर आपको मिल गया। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है।